तमाम अहबाब मोहब्बत खुलूस शौक और शौक में दुरूद पाक पढ़ो, कोई खामोश न रहे, सारे मिल के वह आवाज़ बुलंद करो। इजाजत तो बगैर पूरी कायनात के अंदर जरा भी अपनी जगह तो हरकत नहीं करता। दरूद ताजदारे अरबो अजम ताजदारे अंबिया महबूब तिबरिया आकाए निहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाहे बेकस पनाह के अंदर आप दे सके खल्ला के कायनात ने इस सारी कायनात को पैदा फरमाया है। आज का ये अजीम शान प्रोग्राम जिसका एहतमाम अंजमन हाजरा ने बड़ी मुहब्बत और खलूस नाल कीता, जिसके अंदर मैं और तुसी सारे हाजर हाँ और इस नीयत के नाल आए हाँ कि आज अपने आका ताजदारे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका जिक्र पाक और आप नाल मुहब्बत करने वाले सहाबा का जिक्र पाक सुनांगे, साडा ईमान भी ताजा होगा, मुहब्बत भी सीने के अंदर और ज्यादा मचलेगी। और जितनी देर मस्जिद हाजा के अंदर ए जिक्र के महफिल के अंदर बैठे रहेंगे अल्लाह पाक की रहमत साडे ते बरसन दी आमीन। और ये हदीस पाक दी है कि अल्लाह के महबूब का जिक्र या दीगर अंबिया का जिक्र एक इबादत है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ज़िक्रुल अंबिया की इबादत व ज़िक्रु सालिहीन कफारतुन, फरमाया अंबिया का जिक्र करो जितनी देर नबिया का जिक्र करते रहोगे इबादत सफल होगी।
बच्चे को लेके आगे बढ़ना, बच्चे को लेके किसी अल्लाह के वली
ਪਵਿੱਤਰ ਇਹ ਬੁੱਕਸ ਅਬੂ ਕੁਆਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐ ਨਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐ ਨਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐ ਨਾਏ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਨਫਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਫਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਨੇ ਚੰਦ ਲਮਹੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਆਪ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆਪ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੋਹਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸੋਹਣ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਰੋਲਾ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਪੱਥਰ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਤਹਾਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਵਾਲੀ ਜੁਰਮ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਾਰਦਾ ਅਬੂ ਕੁਹਾਫਾ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਵੇਂਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆ ਇਤਫਾਕਨ ਉਸ ਬੰਦਾ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਤਫਾਕ ਐਸਾ ਹੈ ਅਬੂ ਕੁਹਾਫਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਵੇ ਤੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਦਾ ਬਾਪ ਨੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਪਕੜਿਆ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪਾਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ
किए चला दुश्मन भी करे मक्के के लोग काफर ने मगर सबने एक जुबान हो के किया और मैं क्या है मोहम्मद असी को तो साबित भी पाया है सच बोलने वाला भी पाया है अमीर भी पाया है आज तक तुसी किसे दा हक नहीं पाया किसे नु तकलीफ नहीं दी ना जुबान नाल ना हाथ नाल आज तक किसे नु बंदा नहीं बोलिया आज तक वादा खिलाफी नहीं कीती आज तक तुसी किसे दे हक नहीं
ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੋ ਦੋਵੇਂ ਟਕਵੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਤਵੱਜੋ ਕਰ ਜ਼ਰਾ, ਤਕਵਾ ਤਕਵਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹੈ।
ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਐ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਕੋਈ ਆਪ ਦੀ ਉਮਤ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਉਹ ਆ ਰਹਾ ਹੈ Thank you.
ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਟੇਕਣਾ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
मिल चुकी है। आने मुद्दे देखो फौजी होती है सारे क्रिकेट फौजी को कार्य विशेषता एक बार में मोहल्ले का दोस्ता था दुनिया को जानते हैं ऐसी भी चले जा रहे हैं मौत का हकीकत है कुछ लोग संसार का तो मौत हर हफ्ते आनी है जो तो मैयत की चार की दुकान लगो मैयत को कुछ दे अब्बा जी ताया जी चाचा जी मामा जी फूफा जी दोस्त यार प्रधान जी चौधरी जी थोड़ी बनी चुकी है या चुकी है कुछ दे क्यों नहीं कुछ दे वो मैयत पे मुर्दा है जवाब दे सकता ऐसे में मौत उनके तो काली है सदा नहीं मिलती है हर मौत को कब मैं चाहता हूं तो रिश्ते आगे गा कर मेरी मौत खत्म हो जाती ये अलग मसला हो मैं उनके तो दोस्तों को गुफ्तगू करके भी कराया कभी नहीं कुछ दे हमेशा उनको पूछीदा है जरा शौर में रखना हो गए समझ में रखना हो गए बोली भी समझना हो गए भी जिंदा सिद्धि के पर कहने मेरी मैयत रखे तो पूछा गया रसूल अल्लाह को तो एक भी सहाबी ने बहुत जमा इख्तलाफ किया हो गए कि अबू बकर रसूल अल्लाह बाद में जगह कई लोग कहते हैं कि जी आप तो फौत हो गए ने आप तो मर गए ने मात अल्लाह एक भी सहाबी ने उनका सलाम जिन्हें बोले क्या हो गए अबू बकर नबी पाक के दो साल हो गए फौत हो गए क्यों पूछा गया आगे किसे से कोई नहीं लिखा आप
اپنے چکروں کے چلن والا بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب۔